एक बहुत बड़ा उपाय है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। है तो ये साधारण सी बात, लेकिन हाथ अधिकतर हम धोते हैं तो जल्दी जल्दी से धोया और काम खत्म कर देते हैं। लेकिन हाथ धोने के लिए हमें साबुन से अच्छे से झाग उठा के, और साथ में यदि कोई आपका कड़ा वगैरह है तो उसको भी ले लीजिए। अपने हथेली को साफ करना है पहले, हथेली, उसके बाद उंगलियों के बीच की जगह हमें साफ करनी है, अंगूठे साफ करने हैं, अच्छे से पूरी उंगलियों को साफ करना है कि जिससे जो भी इसमें विषाणु लगे हुए हैं, जो भी ड्रॉपलेट्स लगी हुई हैं, वो साबुन के साथ आ जाएं। इसी के साथ साथ हमने हथेली साफ कर ली, लेकिन अब हमें ये पीछे वाला पार्ट भी अपना साफ करना है हाथ के साथ। इसमें जो भी ज्वेलरी है, आपकी कड़ा है, इसको भी ले लीजिए। और मैं निवेदन करूंगी कि थोड़े दिनों के लिए मेरी बहनें नाखून काट लें और अंगूठियां निकाल के रख दें, क्योंकि अंगूठी के बीच में कभी कभी विषाणु रह जाता है। आप अपने बच्चे से, अपने घर में किसी से मिलेंगे तो निश्चित ही हानिकारक हो सकता है। ये काम हमें कम से कम 1 मिनट करना चाहिए और 30 सेकंड से तो ज्यादा ही करना चाहिए। 1 मिनट में लगभग आपका सारा हाथ साफ हो जाता है। और ये इसलिए भी इफेक्टिव है क्योंकि जब सर्जन ऑपरेशन करते हैं तो इसी तरह से हाथ धोते हैं, वो लगभग 5 मिनट से ज्यादा धोते हैं, लेकिन इस विषाणु के लिए हमें 1 मिनट काफी है। और ये करके फिर हम अपना हाथ धो सकते हैं। इससे आपके कोरोना वायरस से बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद आप अपने हाथ को या तो टॉवल से पोंछ सकते हैं, नहीं तो आप टिश्यू पेपर से पोंछ के और टिश्यू पेपर को आप फेंक दीजिए। इसके बाद आप कोई भी चीज छू सकते हैं, और यदि आप गाड़ी में बैठे हैं, यदि आप कहीं बाहर हैं, तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने हाथों को स्वच्छ रखें और कोरोना को हराएं। धन्यवाद।